हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है चैनल में। ये करवाएंगे बायोलॉजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये आपको देखिए जेटेड, सीटेड, एसएससी, रेलवे, जेएससी, जेपीएससी, यूपीएससी सब परीक्षा के लिए अति उपयोगी प्रश्न है। हम चाहते हैं कि वीडियो आप हमारा शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, आपको एक बार में हर क्वेश्चन याद हो जाएगा। और आप चाहते हैं तो इसको टेस्ट भी कर सकते हैं। कुल मिला के करवाएंगे आपको 16 क्वेश्चन। इसमें आप देख सकते हैं कितने क्वेश्चन आप राइट करते हैं, जिसे क्वेश्चन बोलेंगे उसको ऑप्शन कहेंगे। अपने कॉपी निकाल लीजिए और चेक कीजिए किसका ऑप्शन आप कौन सा सही करते हैं, फिर बताएंगे इसका राइट ऑप्शन, इसका आंसर क्या होगा। आइए देखिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक देखिए आपका है बायोलॉजी, इसको हिंदी में कहते हैं जीव विज्ञान। सबसे पहले देखेंगे हम बायोलॉजी के फादर को, यानी बायोलॉजी का पिता। फादर ऑफ बायोलॉजी इज अरस्तु। फिर समझिएगा, बायोलॉजी का पिता मीन्स जीव विज्ञान का पिता अरस्तु जी को कहा जाता है। बायोलॉजी का फादर कौन है तो अरस्तु है। आइए हम टॉपिक अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगे लाइक करके अधिक से अधिक इसको शेयर अवश्य कर दे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बेरी बेरी, देखिए लिखिए इसमें बेरी बेरी रोग मतलब क्या होता है कि डिजीज किस विटामिन की कमी से होता है। इन विच विटामिन लैक ऑफ बेरी बेरी डिजीज, कहता है कि कमी मतलब लैक, कौन सा विटामिन की कमी के कारण से बेरी बेरी जो है वो रोग होता है, वो विटामिन का आपको नाम बताना है। देखिए यहां पे ऑप्शन है विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी वन, ऑप्शन सी विटामिन सी और ऑप्शन डी विटामिन बी ट्वेल्व। आपको आंसर बताना है कि बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। आप अपने कॉपी निकाल के टेस्ट भी कर सकते हैं। बेरी बेरी रोग विटामिन बी वन की कमी से होता है, मीन फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेरी बेरी रोग, बेरी बेरी डिजीज, विटामिन जो लैक वो विटामिन बी वन की कमी से होता है, मीन्स फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर टू की ओर। अस्कर्बी के बोलते हैं, अस्कर्बी लिख दी इंग्लिश में, अस्कर्बी रोग, अस्कर्बी डिजीज किस विटामिन की कमी से होता है। फर्स्ट में था बेरी बेरी, सेकेंड आपका है अस्कर्बी रोग किस विटामिन की कमी से, मीन्स किस विटामिन से लैक होती, लैक ऑफ विटामिन जो रोग अस्कर्बी हो जाता है। ऑप्शन ए विटामिन सी की कमी से, ऑप्शन बी विटामिन के की कमी से, ऑप्शन सी विटामिन ई की कमी से, ऑप्शन डी विटामिन डी की कमी से। अस्कर्बी जो है रोग, वो विटामिन कमी जो होता है कौन सा के कारण से अस्कर्बी रोग हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, लोगों में विटामिन सी की कमी हो जाती है तो उसमें अस्कर्बी रोग विटामिन की कमी हो जाता है, मीन्स कौन सा विटामिन कहेगा कि कारण से अस्कर्बी रोग होता है, तो करेक्ट आंसर करना है विटामिन सी की कमी के कारण अस्कर्बी रोग होता है, मीन्स टू का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अस्कर्बी, अस देखिए अस, एस के बाद क्या आ रहा है सी, मीन्स अस्कर्बी जो है सी से होगा, सी मीन्स क्या हो गया देखिए विटामिन सी। ऐसे क्या कह सकते हैं आप ट्रिक के साथ याद कर सकते हैं, अस्कर्बी स्टार्ट होता है इंग्लिश में एस, उसके बाद सी, यानी कि विटामिन सी की कमी के कारण से अस्कर्बी रोग, अस्कर्बी डिजीज होता है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। वह कौन सा तत्व, मींस वह कौन सा एलिमेंट है जो दंत इनामेल, मीन्स कहेंगे इनामेल, इनेमल मीन्स इनामेल को कठोर बनाता है, कठोर मीन्स क्या है हार्ड बनाता है, तो बताना है वो कौन सा एलिमेंट है जो दंत को मीन्स टीथ को, हमारे एनेमल को
क्या करता है? देखिए, कठोर बनाता है, मींस हार्ड बनाता है। ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी फ्लोरीन, ऑप्शन सी आयोडीन, ऑप्शन डी सोडियम। क्वेश्चन कहता है कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो दंत इनेमेल को, इनामेल को क्या करता है, कठोर बनाता है, मींस मजबूत बनाने का वो काम करता है। वो आपका एलिमेंट का नाम बताना है, वो एलिमेंट होगा आपका फ्लोरीन। देखिए क्या हो जाएगा, फ्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन एलिमेंट के कारण दंत एनेमेल को कठोर बनाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड का ऑप्शन नंबर बी फ्लोरीन। फ्लोरीन एक ऐसा तत्व है, एक ऐसा एलिमेंट है जो दंत इनेमेल को कठोर मींस हार्ड बनाने का काम करता है। आइए बढ़ते क्वेश्चन नंबर फोर्थ की ओर। जनन क्षमता में कमी होती है, क्या बोले, जनन क्षमता में कमी आने की लैग किस विटामिन के कारण से होता है? अब देखिए कह सकते आपका रिप्रोडक्शन पावर, जो जनन क्षमता होता है जन्म के लिए, जन्म में जो कमी होती है वो किस कारण से होती है, जनन क्षमता में वो लैक हो जाती है। ऑप्शन ए विटामिन ए की कमी कारण से, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन के, ऑप्शन डी विटामिन ई। जनन क्षमता जो होता है, रिप्रोडक्टिव पावर जो होता है, उस किस की कमी से, कौन सी लैक की कमी से कारण से होता है? तो विटामिन ई की कमी के कारण से जनन क्षमता में कमी होती, जनन क्षमता में क्या हो जाता है, लैक होता है, विटामिन ई की कमी के कारण। मींस फोर्थ का ऑप्शन नंबर डी वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर जनन क्षमता में कमी पूछा जाए आपको, रिप्रोडक्शन जन्म मतलब क्या हो, जन्म से, जन्म का क्षमता जो है वो कमी होती है, वो कौन से विटामिन में अगर कमी हो जाए तो ये जनन क्षमता कम होती है, आपका करेक्ट आंसर करना होगा विटामिन ई। अगर यहां से कहा जाए विटामिन ई का केमिकल नेम क्या होता है, ध्यान दीजिएगा ई टी, टी से देखिए होता है टोकोफेरोल। तो विटामिन ई का केमिकल नेम, रासायनिक नाम होता है टोकोफेरोल। आइए बढ़ते क्वेश्चन नंबर फाइव की ओर। विटामिन की खोज की, आपको बताना है विटामिन का खोज जो है, डिस्कवर्ड ऑफ विटामिन, विटामिन का खोज किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए लूनिन ने किया, विटामिन का खोज किया लूनिन ने किया। ऑप्शन बी फंक, यानी कि फंक ने किया। ऑप्शन सी सुमनर ने। ऑप्शन डी सेंगर ने। क्वेश्चन कहता है विटामिन की खोज की, डिस्कवर्ड ऑफ विटामिन, ऑप्शन ए लूनिन, फंक, सुमनर, ऑप्शन डी सेंगर। क्वेश्चन नंबर फाइव कर दीजिएगा, VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर फाइव। विटामिन के बारे में हम लोग क्या है शुरू से पढ़ रहे हैं कि बेरी बेरी विटामिन बी कारण से होता है, अस्कर्वी विटामिन सी कारण से होता, जनन क्षमता विटामिन ई के कारण से होता। अब इसी तरह क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं कि विटामिन का खोज आखिर में किसके द्वारा किया गया, तो समझना फ्रेंड्स, विटामिन का खोज फंग के द्वारा किया गया है, फंग ने विटामिन को खोजा है। तो फिफ्थ का बी यहां पे आपका करेक्ट आंसर होगा कि फंग के द्वारा विटामिन को खोजा गया था। आइए बढ़ते क्वेश्चन सिक्स की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध प्रोटीन है, मींस दूध यानी कि मिल्क प्रोटीन, नीचे जो लिखा हुआ है निम्नलिखित में से बताना है कि मिल्क प्रोटीन मींस दूध प्रोटीन कौन सा है, मींस किस चीज में दूध प्रोटीन पाया जाता है। ऑप्शन ए लैक्टोजेन, क्या पाया जाता है लैक्टोजेन में। ऑप्शन बी मायोसिन,
ऑप्शन सी केसीन और ऑप्शन डी रेनिन। ये ऑप्शन ए है आपका लैक्टोजेन, लैक्टोजेन। ऑप्शन सी में देखिए बताए आपको केसीन, ऑप्शन डी में है आपका रेनिन। तो इनमें से कौन सा दुग्ध प्रोटीन है, मींस मिल्क प्रोटीन है। देखिए आखिर में किस में कारण से जो है वो मिल्क प्रोटीन पाया जाता है, वो पाया जाता है आपका केसीन में पाया जाता है दुग्ध प्रोटीन। और ध्यान दीजिए क्वेश्चन आपको एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है कि किस कारण से दूध का रंग सफेद होता है, उसका भी आपका आंसर होगा केसीन के कारण दूध का रंग सफेद होता है। यहां पे आंसर करना होगा आपको केसीन। ये भी कर लीजिएगा VVI क्वेश्चन है कि दूध प्रोटीन आपका केसीन होगा। ये ऑल क्लासेस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्लास 6, 7, 8, 9, 10 वहां भी कहीं ना कहीं MCQ क्वेश्चन पूछा जाता है, तो पूछा जाएगा कि दूध प्रोटीन आपको आंसर करना होगा केसीन। वहां लिखा रहेगा अगर CBSE तो कर दीजिए, अगर इंग्लिश में केसीन के कारण से मिल्क प्रोटीन होता है। आइए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं? अब बताना है आपको कौन सा विटामिन है जिसे हार्मोन भी कहा जाता है, जिसे हम लोग हार्मोन भी कहते हैं। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन डी एंड ऑप्शन डी विटामिन ई। बताइए कौन सा विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं। देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन डी, विटामिन डी को हार्मोन भी कहते हैं। इन 7th का ऑप्शन नंबर सी यहां पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि हार्मोन को विटामिन डी कहा जाता है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, और ध्यान समझिएगा क्वेश्चन नंबर 8। जीवों जिसको बोलते हैं क्रिएचर तथा वातावरण, मींस क्या बोलेंगे वातावरण को, बोलेंगे क्या चीज, इन्वायरमेंट तो कह सकते हैं, सराउंडिंग के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन कहलाता है। मिस जियो मिस क्रिएचर और सराउंडिंग में चारों तरफ के पारस्परिक संबंधों, मतलब पारस्परिक जो रिलेशंस होता है का अध्ययन कहलाता है, मतलब का स्टडी कहलाता है। उस स्टडी को क्या कहते हैं? मीन जियो तथा वातावरण दो ऐसे चीज हैं जिनके रिलेशंस की स्टडी को क्या कहते हैं, इज कॉल्ड कहा जाता है, क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए इकोतंत्र, ऑप्शन बी इकोलॉजी, ऑप्शन सी सिन इकोलॉजी, सिन इकोलॉजी, ऑप्शन डी ऑटियोकोलॉजी। समझिएगा क्या बताएं, ऑप्शन ए इकोतंत्र, ऑप्शन बी इकोलॉजी, ऑप्शन सी सिन इकोलॉजी एंड ऑप्शन डी ऑटियोकोलॉजी। जीवों तथा वातावरण के पारस्परिक संबंध रिलेशंस बताता है, उसके अध्ययन को इकोलॉजी कहा जाता है, उसके अध्ययन को इकोलॉजी, उसके अध्ययन को इकोलॉजी। मींस ऑप्शन नंबर बी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसके अध्ययन को इकोलॉजी कहा जाता है। आइए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9th की ओर आते हैं। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? धातु में देखिए क्या होता है आपका मेटल, धातु में देखिए होता है मेटल। मींस हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? ध्यान दीजिएगा जो मानव बॉडी में यानी ह्यूमन शरीर में जो हीमोग्लोबिन होता है वो किस कारण से होता है। हीमोग्लोबिन जो है हम लोग का मानव का रंग लाल होता है, वो कारण है हीमोग्लोबिन के कारण किसी भी मनुष्य का
यानी कि ब्लड लाल होने का कारण है बिकाउज ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण मानव का रक्त यानी कि ब्लड वो लाल होता है। तो हीमोग्लोबिन में कहा जाता है कि कौन सी धातु मीन्स कौन सा मेटल होती है। ऑप्शन ए सी यू मीन्स देखिए हो गया कॉपर, ऑप्शन बी एम जी प्लस मीन्स मैग्नेशियम, ऑप्शन सी एफ ई प्लस मीन्स आयरन, ऑप्शन डी जेड प्लस मीन्स जिंक। हीमोग्लोबिन में धातु मेटल वो आयरन पाया जाता है, मीन्स हो जाएगा का आपका एफ ई मीन्स आयरन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में धातु पाने वाली आपका एफ ई प्लस मीन्स आयरन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 9th का सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कि हीमोग्लोबिन में धातु पाई जाती है मेटल वो आपका एफ ई प्लस मीन्स आयरन पाया जाता है। आइए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10th की ओर। ए बी रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रुधिर दिया जा सकता है। रुधिर में देखिए होता है आपका ब्लड, रुधिर मीन्स ब्लड ग्रुप के व्यक्ति यानी कि मैन का रुधिर मीन्स ब्लड दिया जा सकता है। मतलब जो एबी जो एबी जो ग्रुप के होते हैं जो लोग एबी ग्रुप के वो किसको अपना ब्लड दे सकते हैं। ए को देंगे, बी को देंगे, एबी को देंगे कि ओ को देंगे। जो एबी रुधिर वर्ग वाले यानी कि एबी ग्रुप ब्लड वाले जो व्यक्ति होते हैं वो ब्लड सिर्फ एबी को ही दे सकते हैं। मींस अगर जो एबी वाले व्यक्ति होंगे जो एबी ब्लड ग्रुप वाले होंगे वो एबी को ही देंगे। मींस 10th का यहाँ पे सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मींस अगर एबी वाले जो ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति होंगे ध्यान दीजिएगा सिर्फ वो एबी को ही ब्लड दे सकता है और किसी को नहीं दे सकता। आइए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11th की ओर। विलियम हार्वे कर दीजिएगा इसको आप VVI मीन्स देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11 है। विलियम हार्वे बहुत ही महत्वपूर्ण देखिए नाम है व्यक्ति का, किसकी खोज मतलब किसी का डिस्कवर किए थे के लिए प्रसिद्ध है मीन्स पॉपुलर है। मतलब कि विलियम हार्वे किस चीज का खोज के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए श्वसन क्या सांस लेने के लिए, ऑप्शन बी रक्त स्पंदन के लिए, ऑप्शन सी रक्त परिसंचरण के लिए। मतलब क्या हो गया ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड जो आपका बॉडी में सर्कुलेट करता है उसके लिए कि ऑप्शन डी पाचन के लिए मतलब जो डाइजेस्टिव होता है उसके लिए। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। विलियम हार्वे वो किस चीज को खोजे थे, वो किसकी खोज के लिए वो प्रसिद्ध थे उसका आपको आंसर बताना है। विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण मीन्स ब्लड सर्कुलेशन का खोज किए थे। मीन्स 11th का यहाँ पे सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, एक बार में याद हो जा रहा है बायोलॉजी का क्वेश्चन, तो वीडियो को हमारा लाइक अवश्य कर दे और चैनल में अगर फर्स्ट टाइम है रेड कलर का आइकन होगा सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर दें ताकि कोई वीडियो डाले सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो विलियम हार्वे ध्यान दीजिएगा, विलियम हार्वे रक्त परिसंचरण का ब्लड सर्कुलेशन का ये खोज किए थे। आइए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। सार्वत्रिक मीन्स देखिए बोलते इंग्लिश में यूनिवर्सल, रुधिर दाता रक्त ग्रुप है। यूनिवर्सल मतलब होता है जो सभी के लिए ब्लड वो दान करता हो, मतलब कि एक ब्लड ग्रुप है जो सभी को ब्लड दे सकता है उसे कहते हैं सार्वत्रिक मीन्स यूनिवर्सल मीन्स वो कॉमन है, मतलब वो दानवीर है मीन्स सभी को ब्लड वो दे सकता है। मतलब एक अगर ब्लड ग्रुप हो जितने भी ब्लड ग्रुप है वो सभी को दे सकता है उसे कहते हैं यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल ब्लड डोनर में सार्वत्रिक रुधिर दाता
दाता रक्त ग्रुप है, मतलब ब्लड को वो दान करने वाला है, ब्लड को क्या करता है वो दान कर देता है, सभी जितने भी ग्रुप में है सबको ब्लड देता है, उस आपको बताना है ब्लड ग्रुप कौन सा है। ऑप्शन ए क्या ए है जो सभी को ब्लड खून दे सकता है, ऑप्शन बी बी क्या सभी को दे सकता है, ऑप्शन सी ए बी, देखिए बताए थे ए बी जो है सिर्फ ए बी को ही दे सकता है, ऑप्शन डी ओ। बहुत लोगों को पता भी होगा, कर दीजिएगा आप क्वेश्चन नंबर 12 भी, देखिए वी आई सार्वत्रिक मीन्स यूनिवर्सल ब्लड डोनर, दान करने वाला मीन्स सभी को दे सकता है, ओ ऐसा एक दाता समूह है जो ये सभी को ब्लड दे सकता है, दाता मतलब होता है दान देने वाला, बस ओ ब्लड ग्रुप सभी को दे सकता है, ए को भी बी को भी ए बी को भी और खुद ओ को दे सकता है। जान लीजिएगा हमारा इंडिया में 95% लोग पॉजिटिव ग्रुप के पाए जाते हैं, ओनली 5% ऐसे ग्रुप है जिनका नेगेटिव ग्रुप होता है, मींस ए नेगेटिव किसी का ओ नेगेटिव होता है, मींस ओनली 5% इन इंडिया 95% जो है लोग पॉजिटिव ग्रुप के पाए जाते हैं, बोलते हैं मेरा ए पॉजिटिव है, कोई बी पॉजिटिव है, ए बी पॉजिटिव है, ओ पॉजिटिव है, मीन्स ओनली 5% पाए जाते हैं वो जिनका नेगेटिव होता है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर, ध्यान दीजिए क्या बोले आपको, तो ये ओ जो है वो सभी को ब्लड दे सकता है, यूनिवर्सल डोनर कहा जाए ब्लड का, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर ओ। ओ एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जो ये सभी को दे सकता है, मतलब दानवीर है ओ ब्लड ग्रुप। क्वेश्चन 13 क्यों आते हैं, नारियल को बोलते हैं इसमें कोकोनट में खाने योग्य, मतलब जो खाने वाले योग्य होते, किस खाने वाले योग्य भाग होता है, मतलब किस चीज को खाया जाता है, ऑप्शन ए भ्रूण कोष उसको बोलते हैं इसमें स्टोव, ऑप्शन बी मध्य फल भित्ति क्या बीच में जो होते हैं उसको खाया जाता है, ऑप्शन सी अंत फल भित्ति जो अंदर में रहते हैं उसे खाया जाता है, ऑप्शन डी बाह्य बल फल भित्ति जो बाहर में रहते हैं उसको खाया जाता है। अब देखिए बाहर में हुआ तो खा सकते नहीं है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है। अगर नेक्स्ट देखा जाए मध्य बीच वाले को नहीं खाएंगे, अंतः मतलब लास्ट में बचेगा उसको भी नहीं खाएंगे, ध्यान दीजिएगा नारियल में खाने योग्य भाग भ्रूण कोष मीन्स स्टोव होता है, पूछेगा एग्जाम में नारियल में खाने योग्य भाग कौन सा होता है, तो भ्रूण कोष इसको इंग्लिश बोलते हैं स्टोव। कोकोनट में कोल बोलेगा इटेबल जो है पार्ट वो कौन सा होता है, आंसर करना होगा भ्रूण कोष मीन्स स्टोव होता है, 13th का ए यहां पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, इसको कर दीजिएगा VVI क्वेश्चन नंबर 14 पहले कर दीजिएगा। वायरस देखिए अभी एक देखिए चल रहा है पूरे वर्ल्ड में वायरस, उसका नाम है कोरोना वायरस। अब देखिए वायरस बहुत तरीके का होता है, अब वायरस की खोज किसने की थी, अब देखिए वायरस क्या होता है, किसी को कांटेक्ट में आते हैं संपर्क में आते हैं तो वायरस क्या होता है से फैलते आते हैं, तो यहां पे क्वेश्चन 14 कहता है कि वायरस की खोज किसने की थी, वायरस को जो है किसके द्वारा खोजा गया था, ऑप्शन ए है WH स्टेनले क्या WH स्टेनले के द्वारा, ऑप्शन बी KM स्मिथ के द्वारा, ऑप्शन सी डी इवान ऑस्की, इवान इवान ऑस्की के द्वारा, इवान ऑस्की के द्वारा, ऑप्शन डी ईसी अस्टेक मैन के द्वारा। देखिएगा ये आपका अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वायरस अगर कहा दिया जाए इसको हिंदी में, तो वायरस को हिंदी में विषाणु कहते हैं, वायरस की खोज किसने की थी, किसके द्वारा वायरस का खोज किया गया था, देखिए ऑप्शन बताएं WH स्टेनले KM स्मिथ डी इवान ऑस्की कहते हैं इसको, और डी है आपका ईसी स्टेकमैन, वायरस का खोज किया गया था डी इवान ऑस्की के द्वारा।
मीन्स ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि वायरस का खोज डी इवान ऑस्की के द्वारा किया गया था। मीन्स 14th का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते क्वेश्चन 15th की ओर। ये भी देखिए आपको कर दीजिएगा VVI। देखिए आपका है जीवाणु। जीवाणु को इंग्लिश में बोलते हैं बैक्टीरिया। जो लोग नहीं जानते जीवाणु, ध्यान दीजिएगा आप जानते होंगे बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? बताना है कि बैक्टीरिया का खोज किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए है ए बी लुवेन हॉक के द्वारा। क्या ए बी लुवेन हॉक के द्वारा किया गया था? ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक। ऑप्शन सी रॉबर्ट कॉच। ऑप्शन डी लुईस पास्चर। जीवाणु स्विंस में बैक्टीरिया कहा जाता है कि खोज का डिस्कवर किसने किया बैक्टीरिया का? देखिए वायरस का खोज किया गया डी इवान ऑस्की के द्वारा। देखिए जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया का खोज किया गया था ए वी लुवेन हॉक। ए वी लुवेन हॉक जी के द्वारा बैक्टीरिया का खोज किया गया था। तो 15th का आपका ए करेक्ट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा अगर बोलेगा बैक्टीरिया तो बी एल, याद रखिएगा ट्रिक बी एल, बैक्टीरिया ल्यूवेन हॉक के द्वारा किया गया। अगर बोलेगा वायरस, याद रखिएगा भी आई। देखिए वायरस में होता है ना भी के बाद आई, आई से होता है इवेन ऑस्की। दी इवेन ऑस्की नाम है ना, याद रखिएगा इवेन ऑस्किल। तो इवेन ऑस्की के द्वारा खोजा गया वायरस को और बैक्टीरिया खोजा गया ल्यूवेन हॉक के द्वारा। आइए आज का देखिए क्वेश्चन नंबर 16 हम आते हैं। बच्चों में रिकेटस, देखिए रिकेटस एंड ऑस्टियोमलेशिया, देखिए आप बताएं ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोमलेशिया रोग डिजीज किसकी कमी से होते हैं? अब देखिए ऑस्टियोमलेशिया एक डिजीज है, वो किसकी कमी के कारण से हो जाता है? ऑप्शन ए है विटामिन ए की कमी कारण से। ऑप्शन बी है विटामिन सी की कमी कारण से। ऑप्शन सी विटामिन बी के कारण से। एंड ऑप्शन डी विटामिन डी की कमी के कारण से। बच्चों में देखिए दो बीमारी होता है, एक आपका रिकेटस और सेकेंड ऑस्टियोमलेशिया रोग। वो अगर किस विटामिन की कमी हो जाता है तो बच्चे में दो बीमारी होती है, एक रिकेटस एक ऑस्टियोमलेशिया। अब देखिए रिकेटस जब आ जाएगा, आपको ध्यान देना है कि रिकेटस जो है ये बच्चों में बीमारी होती है विटामिन डी की कमी के कारण से। बच्चों में रिकेटस और ऑस्टियोमलेशिया रोग की कमी होती है, किस कारण से? कौन विटामिन? तो विटामिन डी की कमी के कारण से। ऑप्शन नंबर डी यानी क्या? विटामिन डी। विटामिन डी की कमी के कारण से बच्चों में रिकेटस और ऑस्टियोमलेशिया रोग की कमी होती है, किस कारण से? विटामिन डी की कमी कारण से दो रोग होता है बच्चों में, रिकेटस और ऑस्टियोमलेशिया। तो ये आपका क्वेश्चन यहां लास्ट था, क्वेश्चन नंबर 16th का डी ऑप्शन होगा। और भी बायोलॉजी का इस तरह क्वेश्चन हम लाते रहेंगे। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगे लगा है, अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक करके आप इसको अधिक से अधिक ग्रुप में शेयर कर दें ताकि और भी लोग इसके बारे में फायदा उठा सके। ओके, थैंक यू।